दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर के क्लिनिक पर, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और मिलते हैं क्लिनिक को दिखाने के बाद। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज वीडियो बनाने में आ चुके हैं। आज हम डॉक्टर के पास आए थे, अपॉइंटमेंट था, यही रीज़न था कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर आज से कंटिन्यूसली आप लोगों को वीडियो मिलेगा, तो सपोर्ट करें मुझे। और बहुत अच्छे डॉक्टर है ये, डॉक्टर मंजू गुप्ता, बहुत अच्छी है, बहुत नाइस पर्सन है, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरी वीडियो, जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छे से कंसल्ट करते हैं, गाइड करते हैं। तो अगर आपको भी किसी, मतलब कि अगर आपको गाइनो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको फिजिशियंस की ज़रूरत है, तो उनके हस्बैंड है, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर, आप आ सकते हैं। तो ये कहाँ पर है मैम का क्लिनिक? शक्ति नगर में, नाजिया पार्क। बहुत अच्छा है यहाँ पर और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के कॉर्पोरेटिव में। वो जो हमने डाई इंजेक्ट करी, दैट वाज फाइन, आराम से हो गया सब। पेनफुल था मैम, थोड़ा सा मैं पैनिक हो गई थी एक्चुअली। तो मैम से हमारी बात हो रही थी, हमने अपने सारे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए, फिर आर्यन भी कंटिन्यूसली मैम से कुछ पूछ रहे थे, मैम आंसर दे रही थी, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा वहाँ पे बॉन्डिंग सा हो गया था, और ऐसे लग रहा था कि हम मैम को कितने डॉक्टर को दिखा के उसके बाद हम लोग करते थोड़ी देर, पेनफुल होगा थोड़ा सा, तो इसमें वो क्या है मेडिसिन करने के लिए यही डालना है। मैंने कहा इसमें ही ब्रांड का लेना है, वो ब्रांड भी लिख के दिया था ना। किसी किसी डर लगता है इंजेक्शन लगवाने में, अगर आपको भी डर लगता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप ब्रेव हैं तो बताएं कि हमें डर नहीं लगता, मुझे तो लगता है। इंजेक्शन लगवाने में भी डर लगता है, आजकल तो बच्चों को डर नहीं लगता। अरे बच्चे बहुत रोते हैं, बच्चों को बुद्धू बना के लगा देते हैं, बड़ों को भी बुद्धू बनाते हैं, और क्या है, हेल्थ के लिए तो करना पड़ता है, लेकिन पेनफुल तो होगा, बट कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। और चेकअप वगैरह हो गया है अच्छे से, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं और उसको खा सकते हैं। देखिए हमारी मैडम जी कितनी अच्छी है, बॉडी मत इतना, ये देखिए जिनका कीड़ा था ये इंसान कीड़े से कॉकरोच बन गया। देखिए अभी हम वॉम मोमोस पे आए, क्या लेना है, क्या खाना आपको, देख लो यार जो खाना है खा लो, जो भी नॉनवेज और वेज ये है, और ये हाफ नहीं है, वो मील के साथ है, ये हाँ, वो ये विदाउट मील है ना, विदाउट मील कर दो, ट्रिपल एट फोर क्या है मैम, मिलेगा। चलो भैया चलो 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 चलो, कुछ खाने का समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं। हम बिस्किट देखते हैं, ये ले लिए यूनिबिक के, ये देख लो और भी है, ये इधर बिस्किट्स। बेबू हमने वो मॉर्निंग में कौन से बिस्किट लिया था, ये देखिए ये ट्रिक बता रहे हैं हमारे मिस्टर आर्यन। एक पे एक फ्री देखिए, चूना लगा देते हैं हमें। ये देखो बेबू ये छन्नी ले लो यार, देखो जरा क्या लेना, टी एक ले लो, ताजमहल मतलब देख लो, ये क्या है कौन सा, इसका ऑफर खत्म हो गया डेबिट ऑफ पे जो था। वैसे सर क्वालिटी अच्छी है, जैसे आप रेड लेवल यूज करते हो ना, रेड लेवल के बिल्कुल अकॉर्डिंग, ये न्यू आया है अभी, लेवल ना बल्क में नहीं चाहिए, ठीक है। मल्टीग्रेन नहीं लेना बेबू, मल्टीग्रेन ही लेना, क्या प्राइस है इसका, ये 220 का पड़ेगा भाई, बोलते अच्छा 220 का पड़ेगा। पीनट बटर ले ले, वो वाला मत लेना ना, मैं ये देखो बेबू अपने लिए मैन फेस वॉश,
ये वाला लेते हैं, ये स्मॉल साइज है, ये बड़ा वाला देख लो मेरे को निकालना है ये, ठीक है 30 प्लस। करवा लो जल्दी से बिलिंग। में है मलाई चाप, सॉरी मसाला चाप, और ये रायता है, दाल मखनी है, और ये सैलेड है विथ बटर नान। तो इंजॉय करेंगे हम अपने नान को। और ये आज हम जो लंच कर रहे हैं वो जयवीर पर कर रहे हैं। ये ले लिया ये सैलेड, चलो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं और आप लोग देख सकते मेरी हालत, 4:30 हो गए, टायर्ड हो गए, धूप बहुत तेज थी, बट डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी था। तो सारे मेरे जो मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, TSH और भी थे, ब्लड था, फास्टिंग जो शुगर टेस्ट होता है, तो मेरा रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए हैं। तो थैंक यू सो मच कि मैं अपने गॉड को हर एक चीज़ों से मुझे बचाया, और अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। तो मैंने जैसे लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि हम मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि मुझे इंजेक्शन दिया था, उसके बाद मुझे कुछ घबराहट होने लगी, फिर मुझे मन हुआ कि चलो हम थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ ट्राई किया, बट मैं सच में बोलूँ बिल्कुल मूड इतना स्विंग हो रहा है अभी, मन होता है देखने का, मन होता है खाएं कुछ, मतलब खाने का मन तो होता है, बट वो जब सामने वो चीज़ आती है तो बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है मुझसे, आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पर ठीक है, हो सकता है मे बी मेडिसिन की वजह से हो रहा होगा, और हो भी सकता है कि क्लाइमेट्स की वजह से भी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं सडनली वेदर चेंज हो जाता है, अचानक से इतनी धूप हो जाती है, अचानक से ठंड हो जाती है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वेदर को हो क्या रहा है। उसके बाद आते आते मैंने शुगर कैन गन्ने का जूस लेकर आई हूँ, और आप लोग भी गन्ने का जूस जरूर पिए, और बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो जल्दी से मैं डालती हूँ और पीती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और बहुत दिन के बाद आज मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी और पूरा पूरा वीडियो देखें विदाउट स्किप किए हुए। बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये गर्मियों के लिए बेस्ट ड्रिंक है, तो आप लोग भी जरूर पिए, मुझे पता है आप लोगों का भी फेवरेट होगा। क्या पुदीने की चटनी वाला जूस है क्या है ये? हाँ? कौन सा जूस है ये हरा हरा? पुदीने की चटनी नहीं है बेबू, ये गन्ने का जूस है। गन्ने का जूस हरा होता है? एक्चुअली ना प्लीज आर्यन की बातों को अवॉइड करना, वो अभी धूप से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, हम लोग सुबह से निकले हैं इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहा है।